दौसा शहर के सैतल मोड़ के समीप 2 अप्रैल की रात को चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। एक आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ था, जो अपने आप को चादर से ओढ़ रखा था और वह एचपी गैस एजेंसी के कार्यालय में घुसा और शटर तोड़ दिया। इसके बाद वह सीसीटीवी तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सीसीटीवी तोड़ने के लिए अपनी चादर को सही किया तो उसका हल्का सा चेहरा दिखाई दिया। हालांकि बाद में वह सीसीटीवी तोड़ने में कामयाब हो गया और तिजोरी में रखे हुए 5 लाख रुपए से अधिक की राशि लेकर फरार हो गया। जैसे ही दूसरे दिन सुबह गैस एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब आरोपी की तलाश शुरू की तो आरोपी की पहचान लोकेश शर्मा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने काफी प्रयास करके डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस ने जयपुर से आरोपी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में आरोपी लोकेश का एक साथी विमलेश अभी फरार है। कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? ये एचपी गैस एजेंसी जो रेलवे ब्रिज के पास में ऑफिस था उसका, उसमें 2 अप्रैल को एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें आरोपी द्वारा सीसीटीवी फुटेज बचाने के चक्कर में कैमरे को तोड़ के शटर का लॉक तोड़ के ये चोरी करी थी, जिसमें पुलिस ने काफ़ी प्रयास किए, आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे, वह संबंधित कार्यालय के भी फुटेज निकलवाए। उसमें एक मुलजिम कुछ समय के लिए अपना चेहरा उससे नकाब उतर जाता है, उसी से इस मुलजिम की पहचान की गई है। इसमें डीएसटी टीम और थाना कोतवाली ने मिलकर ये सामूहिक कार्रवाई की है। इसमें मुलजिम लोकेश कुमार को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 1,15,840 रुपये बरामद किए हैं। इसका एक साथी अभी फरार चल रहा है, उसके पास भी ये 1 लाख रुपए से ऊपर राशि देना बता रहा है। किस तरह की चोरी थी, क्या क्या गया था चोरी में? चोरी में कैश ही मैक्सिमम गया था, अन्य कोई चीज़ें नहीं ली गई थी। मुलजिम ने पूछताछ पे बताया कि उन्होंने एक दिन पूर्व ही इनको कैश काउंट करते हुए एजेंसी वालों को देख लिया था, उसी आधार से इन्होंने ये योजना बनाई है कि संडे को इनका कैश बैंक में जमा नहीं होता है और उसी के अनुसार उन्होंने योजना बना की। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? मुलजिम काबलेश्वर का रहने वाला, सैथल इलाके का रहने वाला है, वहीं से मुलजिम को गिरफ्तार किया। पूर्व में भी इस तरीके की कोई घटनाओं में वांछित है? इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अन्य वारदातों के बारे में इससे पूछताछ की जाएगी।